रामनगर प्रखंड के अंतर्गत चरघरवा विष्णुपुरवा राम जानकी मंदिर में व्यवस्था की गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैला हुआ है। मंदिर के पुजारी शत्रुघ्न पांडे ने बताया कि इस मंदिर के रखरखाव के लिए निर्माणकर्ता सुंदर महतो ने मंदिर के नाम पर 18 बीघा जमीन रजिस्ट्री के लिए दिया था ताकि मंदिर के विकास के साथ पुजारी का भरण पोषण हो सके, किंतु भूमिदाता के रिश्तेदारों द्वारा मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। आज मंदिर की स्थिति जर्जर हो गई है, लेकिन मरम्मति के लिए पैसा नहीं है, जबकि मंदिर के खेत से प्रतिवर्ष लाखों रुपए की आमदनी होती है जो अवैध रूप से कब्जा करने वालों के जेब में चला जाता है। पुजारी के समर्थन करते हुए वीरेंद्र तिवारी, अवधेश सिंह, विश्वनाथ राम, अनिरुद्ध पंडित समेत अन्य लोगों ने कहा कि हम लोग इस प्राचीन मंदिर के अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि मंदिर पर अवैध भूमि कब्जा को हटा नहीं दिया जाता। ये कमला महतो वर्ल्ड मथुरा महतो पटौनी के हैं जो सुंदर प्रसाद सिंह को 16 बीघा 1 कट्ठा जमीन दान दिए और इसकी व्यवस्था सुंदर महतो को सौंप दिए। सुंदर महतो जब तक रहे वे अपने चलाए, उसके बाद ये अपने परिवार के लोगों को सौंप के चले गए। इस मंदिर को कितना भूमि मिला है? 16 बीघा 1 कट्ठा यहाँ और 5 बीघा 1 दरवा, मतलब 21-22 बीघा के आसपास जमीन है। 21-22 तो इस मंदिर का जो भूमि है, 16 बीघा की जमीन का जायदाद रामेश्वर सिंह खाते हैं और 5 बीघा का जमीन प्रमोद सिंह। तो मंदिर के नाम का भूमि जो है उसका सारा ये लोग जो आय व्यय है सब वही ले लेते हैं, मंदिर को कुछ नहीं देते हैं। मंदिर को जो देते हैं वो सामने, तो मंदिर तो एकदम बदहाल स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। देते तो ये खंडहर जैसा नहीं दिखाई देता, भूख नहीं लगता है। तो अभी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? कहना चाहते हैं कि सरकार इस मंदिर की व्यवस्था अच्छी ढंग से करके और एक समिति बना करके और मंदिर में भोग लगे। लेकिन मंदिर जो सुंदर महतो के हाथ से 1948 में रजिस्ट्री किया गया राम जानकी के नाम से, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है उनके दस्तावेज में कि इस मंदिर की संपत्ति जो राम जानकी के नाम से कर रहे हैं उसका कोई मालिक नहीं है, भगवान ही मालिक है। इस मंदिर के नाम पर कितना भूमि है लगभग? इस मंदिर के नाम पे यहाँ पे 18 बीघा है और 5 बीघा 1 डेढ़वा में है, 23 बीघा जमीन है, जिसमें से कुछ घरारी है जो सदस्य बने थे वही लोग लिखवा लिए हैं पैसा दे के। कोर्ट में तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन पैसा दे के उसको अपने कब्जे में ले लिए हैं। जो पहले कमेटी का सदस्य का जो गठन हुआ था वो सब चोर थे और पैसा दे के और जमीन को ले लिए, और रामेश्वर सिंह का तो कुछ था ही नहीं, जो भी मिलता गया वो लेते गए और देते गए। स्थानीय लोग क्या चाह रहे हैं? स्थानीय लोग हम 2 साल से यहाँ विरोध प्रकट कर रहे हैं कि आप इंसाफ दीजिए, हमको बताइए क्यों ऐसी स्थिति है। सच्चाई से वाकिफ कोई नहीं था कि क्या सच्चाई है इसकी, सभी लोग यही जानते थे कि वो उनका अपना निजी जमीन है, उनके खानदान का है और वो हुंडा बटैया देते हैं, यहाँ मंदिर चलवाते हैं। मंदिर में तेल भी नहीं, मंदिर में 2 साल से तेल भी।